आपको मेरी कसम, आप कुछ मत छुपाओ मुझसे। हमारी शादी के समय हमने हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ निभाने के वचन लिए थे, कसमें खाई थी। आपने आज तक हर सुख बांटा है मुझसे, तो फिर दुख क्यों नहीं? कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है मुझे। हिम्मत झूठ बोलने के लिए चाहिए होती है, सच के पास तो अपनी ही ताकत होती है ना। कृष्णा, कल रात मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। कृष्णा, छूट कैसे लगी तुम्हें? ये शोक बस यहाँ पे गिरा हुआ था, मेरा ध्यान नहीं गया। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके जाती हूँ। पहले तुम्हें पट्टी करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें टिटनेस की इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी। आज मुझे पट्टी लगाने के बाद कहीं आर्यमन कृष्णा को सब पता ना दे, इसलिए मेरा यहाँ इनके पास ही रहना जरूरी है। अरे नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आप ही के कमरे में रुक जाती हूँ, आप मुझे यही ड्रेसिंग कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मेडिसिन बॉक्स लेकर आती हूँ। सुनो ना, आप मोहिनी को उठा के कमरे में ले जाओ प्लीज। मैं यही ठीक हूँ, आप बस जल्दी मेडिसिन बॉक्स ला दीजिए प्लीज। और आप अंदर से मेरे लिए कुशन ला सकते हैं, ताकि मैं वो पाँव के नीचे रख दूंगी, इतना तो कर सकते हैं ना आप? मैं लेकर आती हूँ। क्या है? आप क्या करने जा रहे थे? कृष्णा दीदी को सच बताने जा रहे थे? मैंने आपसे पहले भी बोला है ना, वो सच नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। आप क्यों उनके जान के पीछे पड़ रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है कि गलती मैंने की है, लेकिन सजा उससे मिल रही है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, जो हमारे बीच हुआ वो गलती थी, उसे भूल जाइए। क्यों आप एक गलती के लिए दो जाने लेना चाह रहे हैं? अरे आप तो कह ही हो, आप तो कहीं जाने वाले थे ना? जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं पट्टी कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। मुझे कोई बात नहीं करनी कृष्णा, बाहर जा रहा हूँ मैं। वो क्या कह रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो इनके दिल में है पर जुबान पे लाने से डर रहे हैं? वो बात तुम्हें कभी पता नहीं लगेगी कृष्णा, क्योंकि मैं तुम्हें पता लगने ही नहीं दूंगी। अब एक बार मैं ही ऐसा वार करूंगी कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी।